आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में, चूंकि इस समय इस स्टॉक में देखेंगे तो काफ़ी ट्रेंडिंग न्यूज़ ट्रेंड होते हुए दिख रही है। केरला का एक फेमस फेस्टिवल ओनम है, जिसको लेकर के अराउंड 60,000 तक का डिस्काउंट टाटा अपने प्रोडक्ट्स यानी गाड़ी पे देते हुए दिख रही है। और आप देखेंगे तो जो दक्षिण भारत है, जैसे बिहार यूपी जैसे जितने भी देखेंगे तो जो भी फेस्टिवल है, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होते हुए दिख रहा है और जो व्हीकल के सेल्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज होते हुए दिखेगा। ओवरऑल टाटा मोटर्स को लेकर के व्यू इसीलिए बुलिश है, जो लोग पहले डीजल पेट्रोल और सीएनजी व्हीकल्स के तरफ जाते थे वो अब अपग्रेड होकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तरफ आते हुए दिख रहे हैं। और टाटा मोटर्स अभी भी मोर देन 85% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ऑन करती है। ओवरऑल टाटा मोटर्स के चार्ट को देखें, इससे पहले अगर टेक्निकली ऑटो सेक्टर को देखेंगे तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी 1% तक का डाउन ट्रेंड दिखा। टाटा मोटर्स पिछले 1 मंथ में अराउंड 12-15% तक का रिटर्न दिया है, पिछले 1 वीक का रिटर्न भी पॉजिटिव रहा है, लेकिन इस समय थोड़ा बहुत फेवरेबल नहीं दिख रहा है। डिलीवरी देखें तो डिलीवरी बहुत लो अराउंड 20% तक का दिख रहा है। मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जो चाइना और अमेरिका को लेकर के ताइवान वाला हमने देखा ही, और उसको लेकर के मार्केट आपको याद ही होगा 2 दिन पहले किस प्रकार से एक्सपायरी को क्रैश जैसा ही माहौल बना था। तो मेरा पर्सनली मानना है जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो पोजीशन बनाए रखेंगे फॉर मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर थोड़ा वेट करेंगे। हालांकि अभी भी स्टॉक 20 DMA से ऊपर ही है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना रहेगा जो कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं वो इस स्टॉक को तभी बाई करेंगे जब ये स्टॉक 2475 के ऊपर क्लोजिंग दे। एक वन साइडेड डाउन ट्रेंड 444-445 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। इस समय 475 के ऊपर के क्लोजिंग के लिए वेट करेंगे। फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस 440 के नीचे की हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है।